करते हुए आज की सभा में उपस्थित श्रद्धेय शांत स्वरूप जी, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्र जी और हमारे सभी विद्वान साथियों, विभिन्न ब्रांचों से आए हुए हमारे अध्यक्ष, शाखाओं के अध्यक्ष, हमारे सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय रामलाल मौर्य जी, दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय सोरन सिंह जी, फूल सिंह जी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारी पूरी टीम है, आरपी सिंह जी, हमारा गौतम जी और सभी प्यारे प्यारे बच्चों और सभी विद्वान साथियों, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। ये दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैं सिर्फ चंद शब्दों में बात बतानी चाहूँगा आपको, बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है। 1955 में बाबा साहब ने ये संस्था का गठन किया था। इस संस्था का संविधान बाबा साहब ने खुद अपनी कलम से लिखा था। 1957 में मोहनलाल शास्त्री जी दिल्ली प्रदेश के सारा अध्यक्ष बने प्रथम और वहां पर कार्यालय बना था। तब से अब तक ये कार्य कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आप सब लोगों के बीच में कि कुछ लोग हमारे समाज से ऐसे हैं जो बच्चों शान हमारे समाज से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पद पर आते हैं और उसके बाद को फिर पद को छोड़ते नहीं है बल्कि दूसरी संस्था गठित कर लेते हैं। हमें उनको ध्यान रखना है, उनको सहयोग नहीं देना है, उनको ना चंदा देना है, ना उनसे बात करनी है। केवल बाबा साहब की संस्था है दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगर वास्तव में आप बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के साथ रहना चाहते हैं, तो आप उनकी संस्था को समर्थन दें। आज इस बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हुआ, आप सभी का मैं बहुत बहुत अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।